अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स रहमान रहीम वंस अगेन योर सर लाल इज़ हेयर विद अनदर टॉपिक ऑफ किंगडम एनिमिलिया सॉरी टुडे हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है किंगडम एनिमेलिया की तो व्हाट इज़ एनिमल एनिमल हम किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो ब्रीद कर सकें और जिनकी सोल हो जिनके अंदर रूह मौजूद हो एज़ इन योर बुक ठीक हो गया वट इज़ एन एनिमल एनिमल्स वो होते हैं जी अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें एनिमल्स को तो एनिमल्स वो होते हैं मल्टी सेलुलर यूक्रियाटिक हैट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म दैट ऑप्टे न्यूट्रिएंट बाय इंजेशन हम खराक खुराक जो है वो इंजेस्ट करते हैं उसके बाद हम डाइजेस्ट भी कर सकते हैं उसे ठीक हो गया और उसके अलावा एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती जो कि प्लांट्स और फंजाई में होती है आपकी बुक में एक इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में ऐड है तो एक तो ये बताया कि एनिमल्स जो हैं वो ब्रीद और सोल कर uh, वाले होते हैं उसके बाद ये बताया कि जो मल्टी सर ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेटाजोआ कैटेगरी में आते थे पुराने ज़माने में जो पुरानी क्लासिफिकेशन थी उसके मुताबिक ठीक है और जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो पैरा प्रोटोजोआ में आते थे ठीक हो गया प्रोटोक्टेस्टा जिनको आप लोग बोलते हैं ठीक हो गया अब किंगडम एनिमेरिया में फ़र्दर जो है करेक्टरिस्टिक्स वो हम डिस्कस कर चुके हैं और बेसिकली जो किंगडम एनिमेलिया है वो एनिमल लाइक प्रोटेस्ट या प्रोटोक्टस्टा से इवॉल्व हो बने हैं मोस्ट एनिमल्स हैव मसल सेल्स नर्व सेल्स दैट कंट्रोल देयर कंट्रोल द मसल्स तो ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर होती हैं एनिमल्स डिप्लॉयड होते हैं हमारे इसका मतलब है कि सारे सेल्स क्या हैं डिप्लॉय हैं उनमें दो दो सेट हैं क्रोमोसोम के टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं और 23 23 uh, 23 के जो है वो यानी uh, कि पेयर मौजूद है क्रोमोसोम का ठीक हो गया और हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ये टिपिकल सिमिलर डेवलपमेंटल स्टेजेस बनाते हैं यानी कि डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजर के आते हैं और तमाम जानदारों में तकरीबन उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी पाई जाती हैं हाँ जी जैसे कि कुछ होते हैं ग्रेड बाइलेट्रिया वाले और कुछ होते हैं ग्रेड रेडियाटा वाले ग्रेड रेडियाटा का मतलब रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं और बाइलेट्रिया का मतलब होता है जी टू सिमेट्रिकल यानी कि हम कह सकते हैं कि टू मिरर इमेज देने वाले अच्छा अब जो ग्रेडेड आटा है ये एक सिंपल किस्म की सिमेट्री है ठीक है एनिमल्स के अंदर जो बॉडी कैविटी है वो कुछ इस तरह से बॉडी पूरी की बॉडी के ऑर्गन्स और बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ज़्यादातर इसके अंदर डिप्लो होती है और बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह से होती है कि आप जो उसकी एनिमल की बॉडी है उसे किसी भी जगह से स्प्लिट करेंगे तो आपको किसी भी जगह से इक्वल हाफ मिलेंगे जैसे जेली फ़िश है जेली फिश कैन ऑल्सो एक्ट एज अ केक तो आप केक को कट करें तो क्या होगा कि, कि हर जगह से पीस एक जगह सा एक जैसा निकल सकता है तो ग्रेड ग्रेट रेडियाटा में वो सारे शामिल हो जाते हैं ठीक हो गया जैसे निडेरिया सिलेंडिराटा वही जैलीफिश से बिलोंग कर रहे हैं इसी तरह वो कह रहे हैं ग्रेड बाइलेट्रिया इसके अंदर वो एनिमल्स होते हैं ठीक है जिनकी बाइलेट्रल समिट्री होती है बायलेट्रल समेट्री का मतलब ये है कि अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ओनली इन वन प्लेन यानी कि जैसे हम लोग हैं हमारा सर जो है वो ऊपर है और हमारे जो लेग्स हैं वो नीचे हैं ठीक हो गया उसके अलावा ये कि हमारे हम लोग अगर अपनी बॉडी को अपने हेड से ले यानी कि टिप से ले कर कट करें तो हमारा क्या है कि सिर्फ एक ही दफ़ा मिरर इमेज मिलेगा उसके बाद मिरर इमेज नहीं मिलेगा आप कहीं और से कट करके देखेंगे तो बॉडी का क्या है आपको मिरर इमेज नहीं मिल पाएगा वो अलग होगा जैसे कि धड़ का अलग टांगों वाला एरिया अलग हो सकता है ठीक हो गया आप आर्म्स वाली जगह से कट करके देखें तो आर्म्स अलग हो जाएंगे और बाकी का एरिया अलग हो जाएगा लेकिन अगर हम लोग क्या है बॉडी के सेंटर से कट करें जैसे कि आईज़ के, के दरमियान से तो आपको मिरर इमेज मिल सकता है ठीक है एक आई इधर होगी एक आई इधर होगी एक नज़ल कैविटी इधर दूसरी नज़ल कैविटी उधर तो ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि बायोलेटल सिमेट्री कुछ ऐसे होती है ये वो डिवेलपमेंटल स्टेजेस की स्लाइड है जिसके अंदर अभी हम लोग आहिस्ता इसको समझेंगे कि देखें एग और स्पर्म मिलते हैं जयगोड बनता है जयगोड जब फर्दर डिवाइड करता है एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है एम्ब्रियो का पहला स्टेज होता है ब्लास्टो ब्लास्टूला स्टेज जिसके अंदर पूरा एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है वो ब्लास्टूला जो है वो नीचे से इन साइड को मर्ज होना शुरू हो जाता है ठीक है ताकि एंडोडर्मिस बन सके तो अभी हम फर्दर इनको आगे डिस्कस करेंगे एनिमल्स जो हैं इनकी फायलोजनी क्या है ये बेसिकली कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहे हैं तो एनिमल्स जो हैं वो क्या हैं Uh, इनके एनाटोमिकल फ़ीचर्स की बेस पे इनकी फायलोजी भी है यानी कि हम देखें तो एनाटोमी अगर हम देखें ऑर्गेनिजम्स की मैच करते करते तो उनके अंदर सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं और पहले जो है एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता था जस्ट उनके एनाटोमिकल स्ट्रक्चर्स को देख के ठीक हो गया लेकिन अब जो है वो डी या जेनेटिक डेटा को देख के भी किया जाता है ये सारे एनिमल्स जो है वो किंगडम नम एन मिलियम ही इन सब को हमने पढ़ना है हमने स्पॉजेस को पढ़ना है सेलेंटी को पढ़ना है मुलस्का को पढ़ना है Uh, उसके बाद हमने पढ़ना है जी फ्लैट वर्म्स को एनिलीड्स को राउंड वर्म्स को आर्थ्रोबोर्ट्स को एक आइनोडर्मा और कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स के अंदर हम भी शामिल हैं तो ये देखें कितना ज़्यादा एरिया आ जाता है ये वही रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन अगर आपने करनी है रेफर्स टू द एनिमल्स दैट आर आरेंटिकल ऑल अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस बाई सिमेट्री एग्जिस्ट वेयर देयर इज़ ओनली अ वन वे टू स्प्लिट द एनिमल्स इनटू द इक्वल हाफ्स ये देखें रेडियल सिमेट्री फिर से इन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है रेडियल सिमेट्री इस तरह से इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाती है और बायलेट्रल सिमेट्री इस तरह से ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ दो ही मिरर इमेज में कन्वर्ट कर सकती है तो ये नीचे वाले दोनों जो हैं वो बायलेट्रल सिमेट्री में आ रहे हैं इन्होंने साथ एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की भी एग्जाम्पल दी है जैसे ऊपर उन्होंने क्या है एक फ्लावर पॉट जो है उसको कट करके दिखाया तो हर जगह से मिरर इमेज दे सकता है लेकिन जो है वो हमारे पास एक डिगर जो है दैट कन नॉट गिव अस द मेर इमेज फ्रॉम एवरी स्लाइस अच्छा जी फिर चलते हैं बॉडी कैविटीज की तरफ बॉडी कैविटी की बात करें तो एनिमल्स uh, के अंदर क्या है तीन तरह की बॉडी कैविटीज uh, हो सकती हैं um, ये कुछ होते हैं एनिमल्स जो है ना अकॉर्डिंग टू दर टाइप ऑफ बॉडी कैटी ये डिवाइडेड हुए हुए होते हैं कुछ होते हैं जी सिलेंटीरेट, कुछ होते हैं सॉरी um, कुछ होते हैं सिलोमिक कुछ होते हैं एसिलोमेटिक और कुछ होते हैं सूडोसिलोमेट there are difference in how the body cavity forms if the body cavity is completely lined by the tissue drive from mesoderm is called a pseudosilome अगर क्या है कि बॉडी कैविटी के अंदर हम देखें कि सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म है फिर तो चलें वो तो उसमें कोई डिप्लोब्लास्टिक की ऑर्गनाइजेशन है अब इस वाली में देखें तो हमारे पास क्या है सूडोसिलोम में ये बात आ जाती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में मसल्स की एक लेयर होती है जिसको जिसकी मौजूदगी हमें सी सूडोसिलोम उसको प्रूव करते हैं और सिलोम वो होती है जो कि कम्प्लीटली एक सेपरेट लेयर होती है जैसे कि हम लोग हैं तो हमारे अंदर क्या है मसल्स की लेयर अलग है और मसल्स के अंदर बॉडी कैविटीज़ बनी हुई है और उन कैविटीज़ के अंदर हमारे ऑर्गन जैसे हार्ट है लंग्स हैं स्टमक है तो वो सारी

तो ये फ्लैट वर्म्स में होता है राउंड वर्म्स की तरफ आते हैं राउंड वर्म्स को अगर आप कट करके देखें तो उसके अंदर बॉडी कैविटी बन रही होती है लेकिन उसकी जो कैविटीज़ हैं उन कैविटीज़ के अंदर सही ऑर्गन नहीं इतने ज़्यादा वेल डेवलप्ड ऑर्गन नहीं होते इसलिए इसको हम सूडोसिलोम कहते हैं यानी कि फॉल्स कैविटी वाले एक्टोडर्म मिजोरम के अंदर आपको एक खाली जगह नज़र आ रही है और फिर उसके बाद एंडोडर्म नज़र आ रही है और वो डाइजेस्टिव कैविटी बन रही है ठीक हो गया तो इसी तरह आप देखें जो हमारे पास है एनलीग्ज हैं जैसे अर्थवम वगैरह इसको आप कट करें तो इसके बाहर आपको क्या नजर आएगा एक्टोडर्म फिर मीजोडर्म के अंदर क्या है आपको प्रॉपर कैविटी और प्रॉपर कैविटी के अंदर प्रॉपर किस्म के ऑर्गन मिलते हैं जिससे ये साबित होता है कि ये ऑर्गेनिज्म थोड़ा ज़्यादा वेल डेवलप्ड है और जैसे कि हम लोग हैं और फिर एट दी एंड क्या है एंडोडर्म जो है वो प्रॉपर होता है इसको हम सिलोमिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे ट्रू सिलोम होगा और बॉडी और ये इसके अंदर फ्लूड भी प्रेजेंट होता है ताकि सारे ऑर्गन्स क्या हैं सर्वाइव कर सकें उसके अंदर हाँ जी डिप्लोब्लास्टिक प्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक हम उसको बोलते हैं जिसमें एनिमल में, में सिर्फ दो लेयर्स होती हैं और ट्रिप्लो उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोरम तीनों होती हैं हाँ जी ज्यादातर किंगडम एनिमेलिया के अंदर क्या है बैकबोन uh, के बगैर वाले हैं तो नाइन्टी तो परसेंट वो सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स हैं और जो हमारे पास कुछ फाइलें हैं वो क्या है वर्टिब्रेट्स हैं जो ऊपर स्पायरल एंड डिटर्मिनेट है और रेडियल और इन है ये वाला जो है वो आपके सिलेबस से कट कर दिया गया टॉपिक डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिपलो करना है यही वो पेज है जिसका जो है ना हमने ये दूसरा पार्ट देखा था तो बेसिकली इसका पहला पार्ट ये डिप्लो प्लास्टिक ट्रिपोल का यहाँ से ये यह शुरू हो रहा है ठीक है इसके अंदर वो यही बात करें कि, कि कुछ ऑर्गेजम्स क्या होते हैं डिप्ल, डिप्लो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं ज़्यादातर और उनके अंदर जस्ट दो ही लेयर्स होती हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म बस और दरमियान में मीजोडर्म में बस सेल्स होते हैं सारे जबकि जो हमारे पास ट्रिपलो की बात आती है तो वो उसमें कहते हैं कि उसके अंदर तीनों प्रॉपर लेयर्स होती हैं एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोड्रम अब आपको क्लियर हो गया होगा ये देखें जी डिप्लोब्लास्टिक एक्टोडर्म और एंडोडर्म नो मीजोडर्म इज लेबल्ड लेकिन इसके अंदर क्या है येलो कलर की मीजोडर्म लेबल हुई हुई है ये ट्रिप्लो है एंडोडर्म के अंदर डाइजेस्टिव कैविटी होती है हाँ जी डिप्लो और ट्रिप्लो के फीचर्स को हम कंपेयर करते हैं अब जरा डिप्लो प्लास्टिक एनिमल्स प्रोड्यूस टू प्राइमरी जर्म लेअर्स एंडोड्राम एंड एक्टोड्राम ड्यूरिंग द गेस्टुलेशन Diploblastic animals are radially symmetrical do not have a mesoderm do not have the body cavity uh, endoderms form the tissue and the gut endoderms forms the ectoderm forms the epidermis nervous tissues and reproduct and uh, nephron sorry and uh, do not have the organs and not complex jellyfishes okay calm uh, jeies okay corals okay and is uh, soa and any moons see any moons sorry see any are examples. जबकि ट्रिपल प्लास्टिक जो है इसके कंपैरिजन में उनको पढ़ते हैं ट्रिपल प्लास्टिक एनिमल्स प्रोड्यूस थ्री प्राइमरी लेयर्स मिजोरम एक्टोडर्म एंडोडर्म तीनों होंगे इसके अंदर ट्रिपल प्लास्टिक एनिमल्स आर बायोलेट्रली सिमेट्रिकल डेवलप आ मीजोरम इसके अंदर प्रॉपर एक मीजोरम बनी होगी डिवेल्प अ बॉडी कैविटी अ सिलोम और एक्टोडर्म जो है वो एंडोडर्म जो है वो लंग्स स्टमक और कॉलन लिवर यूरिनरी ब्लैडर वगैरह जो बनाएगी और एक्टोनम जो है हमारे अंदर क्या बनाता है हेयर्स बनाता है आई लेंस बनाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह इसके ज़िम्मे हैं और इसके अलावा क्या है इन हैव ट्रू ऑर्गन्स मोर कॉम्प्लेक्स जैसे मुलस् वर्म्स अर्थवर्म्स हो गए आर्थरोपोर्ड्स इकाइनो डरमेटा एंड आर द एग्ज़म्पल्स हाँ जी चलते हैं आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है मैं कहूँगा क्योंकि सीरीज़ प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटोस्टोमिया को मैंने अलग किया है इसकी वजह यही है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसको पहले मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना पसंद करता हूँ कि प्लास्टूला पहले आप समझ लें कि जब एम्ब्रियो के बाद की स्टेज आती है तो सेल्स एक बॉल सा बना देते हैं उसको बोलते हैं ब्लास्टूला ब्लास्टूला की जो नीचे वाली जगह है वो अंदर को क्या हो जाती है इन्वेजिनेट होती है तो वो क्या बना देती है एक ब्लास्टोपोर बना देती है यानी कि एक जहरी सी बात है अगर वो अंदर को इन्वेजिनेट होती होगी तो वहाँ पर एक सुराख टाइप बन जाता होगा एरिया दैट इज़ नोन एज ब्लास्टोपोर ठीक हो गया ब्लास्टोपोर बन गया ब्लास्टोपोर वाले एरिए में से अगर मीजोडर्म स्प्लिट हो स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म हो तो वो प्रोटोस्टोमिया से बिलोंग कर रहा है अगर वही इस स्पलिटिंग ऑफ मीज़ोडर्म के बाद उसके अंदर सिलोम बन जाए दैट इज़ ऑल्सो इन अ प्रोटोस्टोमिया करेक्टर और उसके बाद वो जो दरमियान में इमेजिनेशन हुई थी वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाए कि वो एंडोडर्म बना दे और उसके ऊपर वाली जगह एनस और नीचे वाली जो ओपनिंग थी जो पहली वाली ओपनिंग थी वहाँ पर क्या है ब्लास्ट और लिप वाली जगह जो थी वो माउथ बन जाए और दूसरी वाली जगह एनस बन जाए तो वो क्या होते हैं प्रोटोस्टोमिया से बिलोंग करते हैं चलते हैं दूसरी डायग्राम की तरफ इसमें ब्लास्टूला जो है वो क्या है ब्लास्टूलास्ट स्टेज इसी तरह से है उसके अंदर ब्लास्टोप और लिप नीचे से जो है वो इन्वेजिनेट हुई ठीक हो गया उसके बाद जो हमारे पास मीज़ोडर्मल लेयर है दैट इज़ नॉट डेवलप फ्रॉम द ब्लास्टोपोर लिप इट इज़ फॉर्मिंग बाय द आउट पाउचिंग एंड इट इज़ फार अवे फ्रॉम द ब्लास्टोपोर लिप दूसरी तरफ से वो क्या है आउट पाउच हो रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं दो पैकेट्स बना रहे हैं सिलोम के और मीज़ोडर्म के तो वो अंदर मीज़ोडर्म बन गया ले और इसमें एक और बात भी आ जाती है कि जो ब्लास्टोपोर लिप वाली जगह है वहाँ से एनस बनेगा और जो हमारे पास माउथ है वो अपोजिट साइड से बनेगा तो इसलिए हमें पता चल जाता है कि वो ड्यूट्रोस्टोमिया से बिलोंग करते हैं सेम ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है क्लीवेज और डिविजन इन दाइगोट स्पायरल एंड डिटर्मिनेट ये टॉपिक आपका कट गया है तो इसलिए आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जब सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं ना अगर वो डिवाइड करता है मतलब एक सेल है वो एक अपने आप को चार द, चार डिज चार सेल्स में कन्वर्ट करता है ठीक है वो चार सेल्स जो है डिवाइड हुए हैं उनके नीचे जो सेल्स का टायर होगा वो क्या होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा यानी कि वो जरूरी नहीं है कि वो उसी को ही फॉलो करता जाए सेल डिवीजन तो वो सेल डिवीजन क्या होगा वो ऐसे आ, क्या कहते हैं स्पायरली डिवाइड होता जाएगा और वो डिटर्मिनेट होते हैं यानी कि हर सेल को पता होता है कि मैंने फ्यूचर में क्या ऑर्गन बनाना है डिटर्मिनेट यानी कि उन्होंने उन्हें पता होता है कि हमने इन्वेजिनेट होना या नहीं होना क्लीवेज क्लीवेज बेटा इसके अंदर जो है दूसरे वाले में ड्यूटोस्टोमिया तो के अंदर वो क्या है क्लीवेज इज़ रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट इसके अंदर क्या होगा जो हमारे पास सेल्स हैं वो क्या है जब डिवाइड हो रहे होंगे तो वो रेडियली डिवाइड होते जाएंगे यानी कि पीछे पीछे की तरफ और वो सारे ही एक दूसरे को फॉलो करते हुए क्या है आपको नीचे ऊपर सारे सेल्स एक तरह से रेडियली डिवाइड होते हुए नजर आएंगे लाइक अ केक ठीक है सारे ही ऐसे जैसे तीन चार केक पड़े हुए हों और वो क्या है आप उनको कट करते जाएँ तो वो सारे क्या हैं रेडियली डिवाइड करते जा रहे हैं अच्छा और जबकि जो स्पायरली होंगे आप उन्हें नीचे वाले केस को घुमाते जाएं आई थिंक नाउ यू कैन गेट माई पॉइंट ओके अच्छा वो फिर उसके बाद क्या है? वो कह रहे हैं इनडिटर्मिनेट यानी कि ड्यूडोस्ट्रोमिया के जो uh, एम्ब्रियो है उन्हें नहीं पता चलता कि हमने इन uh, फ्यूचर कौन से ऑर्गन या टिश्यू बनाने हैं नंबर टू पे आ जाता है डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान माउथ जो है दीज एनिमल्स का बनता है फ्रॉम फ्राम लास्टोपोल लिप एंड एंटीरियर मार्जिन और जो एनस है ब्लास्टोपोर uh, और फ्रॉम इट्स एंटीरियर मार्जिन जो उसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ठीक हो गया जबकि ड्यूरिंग द एम्बियनिक ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डिवेलमेंट माउथ इज फॉर्म फ्रॉम द डिस्टेंट एंटीरियर टू द ब्लास्टोपोर तो जो हमारे पास ड्यूटोसोमिया उसके अंदर क्या होता है ब्लास्टोपोर लिप के ऑपोजिट साइड पे क्या है माउथ बनता है और ब्लास्टोपोर वाली जगह से एनस बनता है नंबर थ्री पे क्या है सिलोम और बॉडी कैविटी जो फॉर्म होती है वो स्प्लिटिंग ऑफ मीज़ोरम से बनती है स्प्लिटिंग ऑफ मीजोरम से बनेगी और वो ब्लास्टोपोर के करीब ही होगा uh, तो इसको हम बोलते हैं शीजोसिलस और मीज़ोडर्म इज़ ड्राइव फ्रॉम एन एंटीरियर लिप ऑफ़ द ब्लास्टोपोर तो मीज़ोडर्म क्या है आपने देखा था कि लिप से ही ओरिजिनेट हो रहा था जबकि दूसरे में क्या है सिलोम इज ड्राइव फ्रॉम एन आउट पाउचिंग ऑफ द आर एंटीरो सिलोम्स सिलस एंट्रोसिलस तो इन दोनों का क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन शीजोसिलस एंड एंट्रोसिलस टाइप um, ऑफ uh, डिवेलपमेंट तो आपको इन दोनों का डिफरेंस लिखा होगा कि एक में सिलोम जो है वो क्या है स्प्लिटिंग से बनती है और दूसरी में आउट पाउचिंग से बनती है उसके बाद क्या है मीजोडन क्या है ड्राइव दो रहा है एंटीरियर लिप से और उसमें क्या था फ्रॉम द ड्राइव फ्रॉम द वॉल ऑफ द गट्स जैसे कि हमने आउट पाउच को देखा था आर में अच्छा फिर उसके बाद आँ... फ़ाइव में एक्ज़ाम्पल वो दे रहे हैं एग्जाम्पल में एस खेलमतीज़ आ जाते हैं एस खेलमेंतीज़ में फ्लैटवर्म्स वगैरह आ जाएंगे और नीमा टोडा एनिलज मुलस्स्स्क सारे उसके अंदर आ गए जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो इसके अंदर जो है वो एडवांस ऑर्गनिज़म जैसे एक आइनोडर मेटा स्पार स्टार फिश वाले हेमी कॉर्डेटा और कॉर्डेटा जैसे हम लोग तो इसके अंदर शामिल हैं ठीक है बेटा यहाँ पर जो है वो हम लोग अपना लेक्चर एंड करते हैं ये जो है ए सिलोमेट सूडोसिलोमेट और सिलोमेट ये मैं ऑलरेडी इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा फर्दर थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़